जैसा कि हम अभी गुप्ता जी के फाइन आर्ट पे खड़े हैं और हम गुप्ता जी से जानेंगे कि यहाँ कितनी पीढ़ियाँ माँ नर्मदा की सेवा में मूर्ति बना करके और आगे बढ़ी हैं और जा चुकी हैं। तो आइए हम गुप्ता जी से जानेंगे उनके सन्मुख। हमारे यहाँ विगत 4-5 पीढ़ियों से कार्य होता चला आ रहा है और माँ नर्मदा के आंचल में हम लोग सभी लोग पल रहे हैं और माता नर्मदा की ऐसी असीम कृपा से सब सुचारू रूप से चल रहा है। और जैसा कि पहले इतना लोग जागरूक नहीं थे, अब यहाँ पे इतनी जागरूकता बढ़ गई है, श्रद्धालु भी आ गए हैं और सदियों से अपनी माता नर्मदा का जन्मोत्सव ऐसे ही मनाते आ रहे हैं और भव्य तरीके से मनाते चले आ रहे हैं। लगभग कितनी पीढ़ियाँ निकल गई होंगी? लगभग कम से कम 5 पीढ़ियाँ तो निकल गई यहाँ पर। 5 पीढ़ियों से हमारे यहाँ लगभग ये सेवा करते हुए माता की और व्यापार व्यवसाय संचालन करते हुए 5 पीढ़ियाँ हमारी गुजर चुकी हैं क्वारी घाट में। तो ये थे हमारे गुप्ता जी और भी वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे और सुनिए। क्या है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि सहयोग सबका इतना अच्छा मिलता है, जबलपुर की जनता का, यहाँ के लोगों का, और इतने भव्य तरीके से माता नर्मदा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये अपने आप में एक दुर्लभ चीज़ जो दूसरी जगह पे देखने को नहीं मिलती। तो ये थे हमारे गुप्ता जी और यहाँ पे हम समाचार को विराम देते हैं और माँ नर्मदा के दर्शन करने आए सभी श्रद्धालुओं का एक बार फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और इसी के साथ ये समाचार समाप्त करते हैं।